हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में आपको फिर से लेके जा रहा हूँ मैं फुट ओवर ब्रिज अहमदाबाद का पूरा लाइव रिपोर्टिंग देखने के लिए, जो सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच में बन रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके पहले का वीडियो देख चुके होंगे, तो ये वीडियो मैं आपको फिर से काम देखने के लिए लेके जा रहा हूँ। इस बार मुझे काम थोड़ा सा कम लगा क्योंकि वर्कशॉप में काम नहीं हो रहा था, तो पता नहीं इसका कब स्टार्टिंग होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग हो जाएगा इसका क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत अच्छा काम हो चुका है पहले से। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने लेके जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मेरे साथ। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये ब्रिज का मैं आपको काम आगे दिखाने वाला हूँ, उसके साथ साथ आप बाजू में देख सकते हो यहाँ पे वर्कशॉप है पूरा। तो इस ब्रिज के बारे में और बताऊँ तो 300 मीटर इसकी लंबाई होगी, 10 to 15 meters इसकी विड्थ होगी और 74 crore का ये पूरा इसका खर्च होगा। आप देख सकते हो पूरा वर्कशॉप पर मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा, तो आज शायद पता नहीं बंद है। मैं सैटरडे को यहाँ पर आया था तो ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियो से इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन ये करने वाला हूँ कि ब्रिज के काम के टाइम पे थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ ताकि आपको काम दिखे, कैसे इंजीनियर्स काम करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट दिखे। तो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ पूरा प्रोजेक्ट, प्लीज़ मेरे साथ वीडियो को देखते रहे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये ब्रिज सिर्फ चलने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है और ये एलिस ब्रिज और गांधी ब्रिज के बीच में ये बहुत ज़बरदस्त ब्रिज बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पानी बीच में रुक गया है और यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट आधा जैसा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और इसकी खास बात, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशन होंगे, जैसे काइट फेस्टिवल और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रेशन यहाँ पे होंगे। तो बहुत ही सुन ऐसे कुछ भी हुआ तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ वीडियो को आगे देखते रहे। मैं काम भी थोड़ा फोकस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बीच में गैप है, जो थोड़ा सा गैप है वहाँ पे अभी तक ब्रिज नहीं बना, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक कीजिए।